हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग चैनल में। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग के द्वारा सुभाष उद्यान, जिसका प्राचीन नाम दौलत बाग के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया था, दिल्ली शासक जहांगीर द्वारा करवाया गया था पहले, और वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर बारादरी भी बनी हुई है, जो कि मैं आपको इस व्लॉग के द्वारा आपको सुभाष उद्यान दिखाने वाला हूँ कितना बड़ा और कितना सुंदर ये और सुशील ये सुभाष उद्यान है। तो मिलते हैं जल्दी से सुभाष उद्यान में। गाइस, मैं आपको इस वीडियो में सोनी जी की नसिया भी दिखा देता हूँ बाहर से। अंदर नहीं जा पाऊँगा अभी फिलहाल। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, वहाँ पे वो मंदिर जैसा दिख रहा होगा आपको। ये सोनी जी की नसिया है, जो कि अजमेर में स्थित है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये नसिया है जो कि अजमेर में स्थित है। तो आप अच्छे से देख पाओगे, कभी आओ अजमेर तो सोनी जी की नसिया ज़रूर देख के जाइए। काफ़ी अच्छी है ये और पुरानी भी है। ये हमारा अजमेर में स्थित है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जल्दी से सुभाष उद्यान में। हे गाइस, तो मैं फाइनली सुभाष उद्यान के पास आ चुका हूँ और मैं आपको जल्दी से अंदर लेके चलता हूँ यहाँ सुभाष उद्यान के अंदर। ये अनासागर झील के प्रांगण में स्थित है और यहाँ पे इसका प्राचीन नाम दौलत बाग के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया था और बारादरी का निर्माण यहाँ पर साझा द्वारा करवाया गया था। तो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ पीछे का दृश्य। पहले ये आपको दिख रहा होगा पीछे सुभाष उद्यान। पहले गाइज, मैंने यहाँ पे अपनी राम प्यारी को खड़ी कर दी है और मैं पहले टिकट लेके यहाँ से और फिर आपको सुभाष उद्यान के अंदर लेके चलता हूँ जल्दी से। तो मिलते हैं जल्दी से। हे गाइज, ये सुभाष उद्यान के बाहर मैं आ गया हूँ और ये आपको बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। पहले बाहर कैसे दिखता है, बाहर कैसे ये दिखाई देता है, ये आपको दिख रहा होगा सुभाष उद्यान। तो यहाँ से मैं टिकट लेके अंदर जाऊँगा पहले, सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा। तो मिलता हूँ जल्दी से अंदर। फाइनली गाइज, मैं सुभाष उद्यान के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक और फूड कोर्ट, योगा पार्क। और यहाँ पर बारादरी भी बनी हुई है, बारादरी बनी हुई है। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, ये स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। ये लाइटिंग वगैरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छे से, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा अंदर क्या क्या है। और काफ़ी खूबसूरत ये सुभाष उद्यान है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे घास की कटिंग कितनी अच्छी कर रखी है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। गए जा यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है ये देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पे देखने आते हैं। और यहाँ पे इसमें नाव चलता है, काफ़ी मज़ा आता है गाइज। आप कभी यहाँ पे आए तब बैठ के यहाँ पे एंजॉय करें। यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठ के पिछली बार में आया था तब यहाँ पे बैठ के एंजॉय किया था। अभी पानी लॉकडाउन की वजह से साफ भी नहीं किया, ये गंदा हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर कितना खूबसूरत ये सुभाष उद्यान है। यहाँ पे डस्टबिन भी है ताकि कोई कचरा वगैरह यहाँ पे डाले तो इसमें डाल सकते हैं, बाहर गंदगी ना करें। और यहाँ पे 5 रुपये का टिकट लगता है अंदर आने के लिए, और अगर बाइक खड़ी करनी है तो बाइक का 10 रुपये लगता है। ये देखिए आप, यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब नाइट में आप देखते हो तो काफ़ी खूबसूरत ये यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या बना हुआ, ये हाथ है, यहाँ पर तितलियाँ लगाई हुई है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़ा हाथ है ये, समथिंग मेरे बराबर। काफ़ी अच्छा ये सुभाष उद्यान है, ये आप देखिए अच्छे से। गाइस, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ये हेरिटेज स्टेप फाउंटेन यहाँ पे बना हुआ है
ये आप देखिए यहाँ पे, ये राजस्थानी कला संस्कृति के अकॉर्डिंग में आपको दिखाता हूँ। ये हमारी नारी शक्ति, आप देखिए यहाँ पे सिर पे मटकी रखी हुई है, हाथ में एक मटकी है। ये हमारी राजस्थान की विशेषता है, ये सुभाष उद्यान की विशेषता है। और मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट, वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ जल्दी से। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे मेहंदी को कितनी अच्छे से कटाई कर रखी है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे, ये देखिए बतख आपको दिख रही होगी, कितनी खूबसूरत ये जगह है। कभी आपको टाइम मिला तो सुभाष उद्यान में घूमने ज़रूर आना, ये अजमेर में काफ़ी फेमस जगह है। और अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कितना अच्छा ये सुभाष उद्यान है। दिखाता हूँ मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ जल्दी से, वहाँ पे क्या है उस तरफ क्या है जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपको पूरा सुभाष उद्यान। वैसे काफ़ी बड़ा है, पूरा घूम भी नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं आपके लिए घूमूँगा अच्छे से और आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि आप देख पाएंगे, जैसे ऐसा लगेगा आपको कि जैसे मैं खुद वहाँ पर चल के देखने गया था, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। गाइज यहाँ पे देखिए चारों तरफ आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये बीच में ये वाटर पार्क बना हुआ है, यहाँ पे लाइट वगैरह चलती है अच्छे से, ये फुहारा सिस्टम है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे टॉय ट्रेन का ये बना हुआ है, इसके अंदर क्या है और कैसा ये आपको लेके चलता हूँ जल्दी से। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा हर एक चीज़ सुभाष उद्यान में क्या है क्या नहीं है। टॉय ट्रेन का ये बना हुआ है, ये देखिए आप अंदर ऐसा कुछ है, आपको दिख रहा होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे आते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं सुभाष उद्यान में, क्योंकि जगह काफ़ी खूबसूरत है। ये आप देखिए दोनों तरफ कितना खूबसूरत ये नज़ारा आपको दिख रहा होगा सुभाष उद्यान में। ये फव्वारा सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम भी लगी हुई है यहाँ पर, ताकि यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल ये लॉकडाउन की वजह से पहले बंद था, अभी ओपन हुआ तो इसकी भी साफ़ सफाई होगी अब जल्दी से। बारिश का मौसम है तो ये बारिश का पानी भरा हुआ है यहाँ पे। आपको और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या है। गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे घास की और या मेहंदी कुछ भी देख लो, यहाँ पर कटिंग कितनी शानदार कर रही है यहाँ पर, मतलब ज़्यादा यहाँ पर बड़ी होने नहीं देते हैं और जल्दी से यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये कटिंग कर रखी है यहाँ पे घास की। और यहाँ पे जिम का सिस्टम भी है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा जिम लगा रखी है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आप डेली यहाँ के पास आस पास के हो तो आप डेली यहाँ पे आके जिम कर सकते हैं, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा चारों तरफ गाइस, यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे वहाँ से बैठ के नीचे आते हैं, काफ़ी मज़ा आता है इसमें बैठने पे। और ये झूला है, अगर आप यहाँ पे बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, हर एक चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे झूला लगा हुआ है और ये यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, पता नहीं किसका है, जो भी है बना हुआ है। ये यहाँ पर भी आप छोटे बच्चे यहाँ पे बैठ के उस पर बैठ के नीचे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है झूलने का। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, आपको और दिखाता हूँ मैं उस तरफ आगे। गाइस ये आपको दिख रहा होगा बीच में, मैं जूम रहता हूँ स्क्रीन को, ये देखिए ये स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे ये बिया यहाँ पे घास की कटिंग करने वाले हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ घास की कटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए घास की कटिंग कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत ये सुभाष उद्यान है। गाइस आप अच्छे से देख पा रहे होंगे सुभाष उद्यान को, काफ़ी पेड़ पौधे भी है। गाइस ये देखिए घास की कटिंग हो रही है यहाँ पे, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। गाइस ये चारों तरफ खजूर का आपको पेड़ दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत यहाँ का दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। गाइस ऐसा अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको हकीकत में दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, जो कि हमारे सुभाष उद्यान में स्थित है ये चीज़। काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, आप अच्छे से ये देखिए कितना
अच्छा ये नज़ारा दिख रहा होगा आपको, चारों तरफ आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पे ये बीच में एक भगवान शिव का ये बना हुआ है यहाँ पे मंदिर, ये आपको दिख रहा होगा। काफ़ी अच्छी ये जगह है, ये देखिए आप गाइस। आना सागर झील इसके जस्ट पीछे है, पीछे की तरफ इस तरफ, और ये आना सागर के प्रांगण में बना हुआ है, पास में स्थित है। काफ़ी खूबसूरत है ये जगह है गाइस। अगर इस सुबह उद्यान को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो से देख के आराम से, अगर आप दूर से है तो, अगर पास से है तो आप कभी टाइम निकाल के ज़रूर यहाँ पे आइए, आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे देख के। काफ़ी अच्छी जगह है ये आपको पीछे दिख रहा होगा चारों तरफ, कितना खूबसूरत ये सुभाष उद्यान है। तो गाइस सुभाष उद्यान कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें जल्दी से, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो जल्दी से एक और नया व्लॉग आने वाला है। डेली व्लॉग आता है हमारा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, और हम आपको और भी अच्छा कंटेंट ला के देंगे हम इस वीडियो व्लॉग में। तो हमारे साथ बने रहिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करें।